प्लांट्स। आज मैंने प्लांट्स की शॉपिंग की है और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ नर्सरी से। ये देखिए, ये जुनीपर का प्लांट है, इसे साइप्रस भी बोलते हैं। ये हमारा जो थूजा का प्लांट होता है उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये ऐसे कोनिकल शेप में होता है। और आप इसे मेंटेन रखिए, इसकी कटिंग करते रहिए और शेप मेंटेन रखिए, तो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं ये हमारे गार्डन में। इसे लैंडस्केपिंग में भी बहुत यूज़ किया जाता है इस तरह के प्लांट्स को। और इसमें एक वैरायटी आती है जिसकी लीव्स लाइट येलो और ग्रीन, लाइट ग्रीन बिल्कुल होती है, उसे लेमन साइप्रस बोलते हैं। वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये मुझे 40 रुपीज़ का मिला है प्लांट, और ये परमानेंट प्लांट है। देखिए, ये मैंने कुछ रोज़ेस भी ले लिए हैं, ये कश्मीरी रोज़ है। तो कश्मीरी रोज़ की पहचान ये है कि इसमें एक भी कांटे नहीं होते और फ्लावर्स ऐसे बंचेज में आते हैं। और मैंने कश्मीरी रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग का एक वीडियो बनाया है ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मुझे ये काफ़ी रिजनेबल रेट में मिल गया, तो मैंने एक और परचेज कर लिया। ये प्लांट मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। और ये देखिए, ये काली मिट्टी में लगे हुए हैं, तो मुझे इसकी पॉटिंग वगैरह नहीं निकालनी पड़ेगी। जैसे चिकनी मिट्टी या रेड सॉइल में लगा होता है तो हमें पॉटिंग उसकी सॉइल हटानी पड़ती है, बट मैं एज इट इज़ ग्रो कर दूंगी। और ये देखिए, एक वाइट कलर का रोज़ है, ये जिसे समर स्नो भी कहते हैं, और ये समर्स में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और हार्डी होता है काफ़ी। तो आप इसे भी अभी आप ऐड कर सकते हैं, हालांकि रोज़ेस को आप थोड़ा सा जब ठंडा मौसम हो उस टाइम पे लगाएं, क्योंकि सीज़न थोड़ा सा इसका ऑफ था, इसलिए हमें काफ़ी सही रेट में मिल गया। ये भी मुझे 50 रुपीज़ का मिला है। तो ये दोनों रोज़ेस मैंने बाय कर लिए हैं। और नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाय किया है। देखिए, ये विंका का प्लांट है, तो समर्स में हमारे पास विंका, देखिए ये बिल्कुल रेड है बीच में वाइट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसका कलर, तो मैंने इसे भी बाई कर लिया है। समर्स में विंकास आप लगा सकते हैं, आप इसे सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। एंड अदर देखिए, ये फूशिया कलर है और इसकी लीव्स में शेड है। इसके फ्लावर में देखिए वेरिगेशन है, आप देख सकते हैं, तो मुझे ये नया लगा तो मैंने इसे भी ले लिया। तो मैं कह रही थी विंकास को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे आप फेब्रवरी मार्च में आप इसे सीड से लगा लीजिए, और अब इस टाइम आप इसकी सैपलिंग ले लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये भी आपके पास एक बार आप ले आए तो बने रहते हैं, थोड़ी सी केयर कर लीजिए रेनी सीजन में, तो आपके पास हमेशा बने रहेंगे और कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कोफिया का प्लांट है, और ये प्लांट बहुत ही बुशी वे में बढ़ता है। देखिए, ऐसे छोटे छोटे से पर्पल फ्लावर निकलते हैं और लीव्स भी छोटी होती हैं, और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे किसी एरिया कवर करना हो, ग्राउंड कवर में भी आप लगा सकते हैं। और इसे थोड़ा वाइड पॉट में लगाएं, तो क्योंकि ये एकदम बुशी होके बढ़ता है, चारों तरफ फैल जाता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। तो आप इसे भी समर्स में ग्रो कर सकते हैं, ये ग्रीनरी ऐड करता है जैसे, और बहुत ही अच्छा लुक आता है इससे। आप मिक्स एंड मैच करके भी इसे लगा सकते हैं। तो ये हमारा कोफिया का प्लांट मुझे मिला है 30 रुपीज़ में, और विंकास मुझे 20-20 रुपीज़ में मिले थे। और अब मैं दिखाती हूँ, देखिए मैंने कुछ हिबिस्कस के प्लांट बाई किए हैं। हिबिस्कस के प्लांट बाई करने के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, आप बाई कर सकते हैं इस टाइम। और मैं आपको एक टिप भी बताती हूँ कि जैसे आप कई सारे प्लांट लेते हैं और उसमें फ्लावरिंग नहीं है, तो आपको कलर का अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये देखिए, इसकी लीफ आप देखा करिए, लीफ का शेप देखिए बिल्कुल अलग है। नॉर्मली हिबिस्कस में इस तरह का नहीं होती है लीफ, तो आप लीव्स के शेप अगर अलग अलग लेके आते हैं तो श्योर है कि जब उसमें फ्लावरिंग होगी तो उसका कलर भी अलग ही होगा। तो ये वाली इसमें देखिए बड बनी हुई है, ये रेड है, डार्क रेड। तो एक मैंने ये लिया है, बर्ड्स इसमें आई हुई हैं, और मैं इनका रिपोर्टिंग वीडियो हो सकेगा तो मैं बना दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए, मैं उसकी लीफ देखिए और इसकी लीफ देखिए, बिल्कुल अलग है, तो श्योर ही है इसमें कि कलर अलग होगा फ्लावर का। और एक ये देखिए येलो कलर का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्लावर का साइज थोड़ा छोटा है, बट काफ़ी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और प्लांट काफ़ी हेल्दी है। और हिबिस्कस मुझे 50 रुपीज़ का ईच प्लांट मिला है,
और ये हाइब्रिड हिबिस्कस वैसे तो ये विंटर्स में भी फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन अभी समर सीजन में भी ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। और एक ये वाला प्लांट, हालांकि इसमें ब्रांचेस नहीं थी, मगर इसे इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, डार्क ऑरेंज है, तो मैंने इसे भी एक बाय कर लिया है। देखिए तो ये हिबिस्कस मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और इस टाइम आप भी हिबिस्कस लगा सकते हैं, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, जो भी आपको मिले। बस आप अभी इस टाइम पे आप इन्हें ग्रीन नेट के नीचे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या 2-3 घंटे की सिर्फ सनलाइट दीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग की। और ये देखिए अनदर मेरा, ये है ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट। तो अभी आप ब्लीडिंग हार्ट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। आप इसे ट्रिम करके बुशी लुक भी दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे क्लाइंबर्स की तरह भी कोई आप सहारा दे दीजिए तो क्लाइंबर की तरह भी ग्रो होती है ये, और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में फ्लावरिंग होती है इसमें। देखिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। 50 रुपीज़ का मुझे ये प्लांट मिला है। और देखिए ये मैंने जरबेरा का प्लांट भी ले लिया है, क्योंकि जरबेरा वैसे आप इसकी थोड़ी सी केयर कर लें तो समर में भी आपके पास ये रह जाता है, बट सीज़न ऑफ था तो मुझे ये काफ़ी रीजनेबल मिल गया रेट में। देखिए पॉट के साथ ये 50 रुपीज़ का ईच प्लांट मुझे मिला है, और मैं थोड़ी सी इसकी केयर आप कर लीजिए ना समर्स में, तो आपके पास ये रहेगा, और विंटर्स में तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। समर्स में भी करता है, लेकिन फ्लावर के साइज़ थोड़ा छोटे हो जाते हैं समर्स में, और थोड़ा सा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे वगैरह करते रहिए तो आपका प्लांट बच जाएगा बहुत ही इजीली। और ये देखिए मुझे बहुत ही अच्छा कलर लग रहा था इसका, पीच कलर है और एक रेड, इसलिए मैंने इन्हें भी बाय कर लिया है। तो आप इस तरह से नर्सरी में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ प्लांट आपको जो ऑफ सीज़न हो जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही अच्छे सही रेट में मिल जाते हैं, और आप थोड़ी सी केयर कर लीजिए तो आपके पास रह जाते हैं। और ये सारे ही मेरे परमानेंट प्लांट हैं, तो समर सीज़न परमानेंट प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा मैंने 2 बोगनविला के प्लांट भी ऐड करे हैं, तो वो मेरा नीचे ही रखा हुआ है, तो मैं अभी वीडियो में नहीं ऐड कर पाई। मैं रिपोर्टिंग वीडियो शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह इन सब के, जो भी मैं कर सकी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये प्लांट शॉपिंग, प्लीज़ बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। और इसके अलावा मैंने वर्मी कंपोस्ट का एक बैग भी लिया है, 20 kg का वर्मी कंपोस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए काफ़ी शाम हो गई थी तो वीडियो ठीक से नहीं बन पाया, पर फिर भी मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये 20 kg का पैकेट मुझे 180 रुपीज़ का मिला है। और आप जब भी वर्मी कंपोस्ट लें तो आप देखिए ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो, ताकि उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो मेंटेन रहते हैं, जब वो मॉइस्ट रहता है, बहुत ड्राई फॉर्म में ना हो। ओके फ्रेंड्स, बाय।